हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंश्योरेंस का एक और प्रिंसिपल जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इंडेमिनिटी होता क्या है चलिए शुरू करते हैं इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आप सबको ये पता है कि इंश्योरेंस सिर्फ आपको दी जाती है लॉस से बचने के लिए लॉस को कंपनसेट करने के लिए ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए द पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस तो इंश्योरेंस आप करवाते हो इसलिए कि अगर आपको किसी आ, इवेंट में लॉस या किसी इवेंट के हैप में लॉस होता है तो उस काम के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो ताकि आपको उसी पोजीशन में पहुंचाया जा सके जिस पोजीशन में आप लॉस लेने से पहले थे एग्जांपल अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर रुपी रुपीज टेन लैख अगेंस्ट फायर ड्यू टू फायर ही सफर्ड द लॉस ऑफ फाइव लैख एक इंसान है उसने इंश्योरेंस कराई दस लाख की कि अगर मेरी फैक्ट्री में आग उ लगी तो मुझे दस लाख की कंपनसेशन मिले और आग लग भी गई तो उसे पाँच लाख का नुकसान हुआ देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम फॉर रुपीज़ टेन लैख ऑनली एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट ऑफ टेन लैख तो उसे कंपनसेशन में उतना ही पैसे दिया जाएगा जितना उसे लॉस हुआ है ठीक है बिकॉज द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज टू कंपनसेट लॉस एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट अगर मान लो उसने दस लाख की फायर इंश्योरेंस कराई है और उसका नुकसान पाँच लाख या आठ लाख हुआ है तो जितना नुकसान हुआ है उतना ही कंपनसेशन दी जाएगी अगर उसका नुकसान बीस लाख का हो गया है, तो उसे दस लाख दिए जाएंगे क्योंकि पॉलिसी तो दस लाख की कराई है ना अगर उसने बीस लाख की पॉलिसी कराई होती तो ही उसे उतने पैसे मिलते और अगर बीस लाख की पॉलिसी कराता तो उसे प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ता समझ के बात तो यहाँ पर ये, ये इस पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको उतने ही पैसे दिए जाएंगे जितना आपका लॉस हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस बेसिकली हम करते हैं अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए ना कि प्रॉफिट या मुनाफ़ा कमाने के लिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी uh, अगर आपको समझ या पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे